नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं न्यूज़ सोशल। और आज हम बना रहे हैं व्लॉग फ्रॉम पठानकोट टू फसौली। तो लेट्स ट्राई। आए हैं जो बसोली का पुल है देखने के लिए, तो मैं उस पे पुल पे खड़ा हूँ और ये ऐसा ब्रिज बनाया है जिस इंसान ने इसको बनाया। मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, उनसे आपकी भेंट करवाऊंगा, छोटी सी भेंट करवाऊंगा। वो अभी पुल का मुआयना कर रहे हैं और ये देखिए आपकी पुल की लाइव पिक्चर्स आपको देख सकते हैं। कैमरा को घुमा रहे हैं, कैमरामैन विकास हमारे साथ है। तो ये बहुत ही अच्छा ऐसा पुल डिजाइन किया गया है कि इसको देख के बंदे के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो बहुत अच्छा पुल है। अब ब्रिज में बात करूं तो यहाँ पे जो ये लोकेटेड है पंजाब और जम्मू के बीच में। मुझे आपको एक पिक्चर दिखाते हैं कि लोग पहले कैसे जाते थे। अब नीचे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा क्लोज करके बताएंगे कैमरामैन। पहले लोग इस बोट पे बैठ के वहां से यहाँ आते थे, सामने दिखाई जरा, वहां से जो रास्ता तय करना पड़ता था तो रास्ता तय करते। अभी आपको एक लाइव पिक्चर दिखाते हैं, अभी बोट चल रही है, अब थोड़ा सा मनोरंजन के लिए लोग यूज करते हैं। वो देखिए एक आदमी बोट लेके जा रहा है, ऐसे लोग जाया करते थे जिसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा नुकसान होता था। नुकसान पहला बहुत सारे नुकसान लेके थे और एक नुकसान क्या था कि लोगों को डर लगता था, सेकंड क्या था डूबने का खतरा था, बहुत सारा मतलब कि पैसा भी नुकसान था। क्योंकि पैसा देख के अगर रिस्क लेना तो कैसा पैसा देना, ये बात होती है। तो अभी आपको हम मिलाएंगे जिन्होंने, आप बहुत एक्साइटेड होंगे जो इसके पुल के निर्माण करने वाले। पुल दिखाइए कि आप लाइव दर्शन कर सकें। तो दिखाइए, बहुत ही अच्छा बात है। और अभी हमारी किसी पास ही आ चुकी है। थैंक यू। आप देख चुके हैं कितना बढ़िया। अभी मैं आपको उनके पास लेके जा रहा हूँ जिन्होंने पुल को निर्माण किया। बहुत ही मेहनत से ये बनाया जाता है। हम मानते हैं उनके लिए, उनकी मेहनत को, उनकी इंकरेजमेंट को, उनकी पावर को, उनके दिमाग को कि कैसे इस बिना पिलर के ऐसे पुल को बनाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा करके दिखाया है। तो क्या नाम है उनका? मिस्टर विशाल जी। थैंक यू सर। सर मैं आपके आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या स्टडी कर चुके हैं, क्या किया आपने, क्या? मेरा नाम विशाल है और मैं पेशे से एक बिल्डर हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी मेहनत से बना है, ठीक है, कोई भी काम इंसान अकेला नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है उसके अंदर। तो ये पुल को बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने मेहनत करा है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों का करेज लगा इसके अंदर, हार्डवर्क लगा, तब कहीं जाकर ये पुल बना है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया हमने, जैसे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को बोटिंग वगैरह करने के अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, है ना, बोटिंग के अंदर ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे और रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन अभी की जो बात करें, देखिए कितना बड़पन है, सारी बातें जानते हैं, सब कुछ पता है इनको। ऐसे होते बड़े लोग, ये पहचान है इन बड़े लोगों की कि इनको पता है कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करके और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुश्किल किया। हम बात करेंगे इनके बारे में कि ये इन्होंने कब बनाया, कितना टाइम लगा इसको बनने में। और देखिए क्रेडिट खुद नहीं ले रहे, लोगों को दे रहे हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। और अब हम जब बात करेंगे तो सर बताइए कितना टाइम लगा इसको बनाने में। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, ठीक है। एस्टिमेट की अगर मैं खुद बताऊँ तो ये मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि मेरे को कितना टाइम यहाँ पर, कितने रातें, कितने दिन मेरे को यहाँ पर एक करने पड़े थे। मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा, बहुत दिन रात एक करके ये पुल बना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का हार्डवर्क इसके अंदर लगाया। हाँ, बाकी रही बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम भी आपने देख लिया कि हमने आपको उनके दर्शन करा दिए हैं, उनको मिला दिया है, एक ऐसी लाइफ आपको चैट करवा दी उनके साथ। ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलाएंगे और यहाँ पे कुछ सिंगर्स भी आए, लोग बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, बहुत ज्यादा कि यहाँ पे लोग आके ऐसा फील करते हैं कि पीसफुल जगह है, शांतिपूर्वक जगह है लोगों का। यहाँ पे
ऐसे लगता है कि बंदे को आके की रूह शांत हो जाती है, जिनकी बड़की हुई रूह होती है, कि जो घर से तंग है, फ्रस्ट्रेटेड है, या किसी को धोखा दे चुके हैं, किसी का दिल टूट चुका है, तो आप यहाँ पे आइए। मेड इट बाय विशाल जी, जो ये ब्रिज बनाया गया है ये आपके लिए है, अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल। क्या है ये आपके लिए है, अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालिए। और कपल्स यहाँ पे बहुत स्पेशली इनवाइटेड है, यहाँ पे आके वो सपने देखें। और दिस वन आपको थैंक यू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एवरीथिंग सोशल को, और शेयर करिए वीडियो को, और हाँ लाइक करिए।